हेलो शार्क्स, मेरा नाम कृष्णव है, उम्र 22 साल, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। दीज आर स्पॉन्ज और ये वाइप्स। तो ये आप चाइना में बना रहे हो सब कुछ? यस। एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग है कि आप ट्रेडर से लेते हो? मैम, वी परचेज फ्रॉम फैक्ट्री, क्योंकि अभी हमारा एम है मार्केट एस्टेब्लिश करना और ब्रांडिंग करना और आपका सोल वापस दियो। ये आपका खुद का इनोवेशन है कि मार्केट में मिलता? मार्केट में मिलता था, हमने अपने ब्रांड में लॉन्च किया है। ये और कितने ऐसे ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लोग चाइना के अलीबाबा से इंपोर्ट कर रहे हैं और अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई और दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट में सेल कर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इंडिया के कई सारे लोग तो इन प्रोडक्ट्स को चाइना से सीधे यूएस, यूके और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी भेज कर वहाँ पे सेल कर रहे हैं और डॉलर में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। बट इंडिया में एक प्रॉफिटेबल इंपोर्ट बिजनेस सेट कर पाना ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाना जितना ईजी, इंपोर्ट कर पाना उतना ही मुश्किल है। आई नो, स्टिल एक कंट्री सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकती। हमको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि चाइना का रिप्लेसमेंट करने में हमको अभी टाइम लगने वाला है और अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो उनकी जो क्वालिटी लेवल है और इनोवेशन है वो कुछ खास नहीं है। कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी चाइना ही चीपली प्रोड्यूस कर पा रहा है और जिनका रिप्लेसमेंट आपको मे बी इंडिया में मिल जाए, बट दे आर स्टिल फार इन्फीरियर वन कम्पेयर टू चाइनीज प्रोडक्ट। चाइना में अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनकी इंडिया और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स लाइक यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड है और जिनको इंपोर्ट कर या थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट करते हुए आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल इंपोर्ट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज दीपांकर और मैं पिछले 10 सालों से इस इंडस्ट्री में हूं एंड फ्रॉम वर्किंग इन एमएनसी हैंडलिंग देयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ल्डवाइड एंड वर्किंग एज अ सीएचए फॉर मोर देन 4 इयर्स। मैंने वो सारे काम किए हैं जो आपने कस्टम्स के बारे में सुना और फिल्मों में देखा होगा। स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ इंपोर्ट बिजनेस सीरीज जहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे एक प्रॉफिटेबल इंपोर्ट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वो भी इंडिया में। एंड रुको, सिर्फ इंडिया में क्यों, इस सीरीज में मैं आप लोगों को उन एक्सपर्ट से भी मिलवाऊंगा जो चाइना से थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट कर यूएस, यूके और यूरोपियन मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वाया अमेज़न और ड्रॉप शिपिंग और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इंडिया में एक प्रॉफिटेबल इंपोर्ट बिजनेस सेटअप कर पाना बहुत ही ट्रिकी काम है। इंपोर्ट करने से पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसेस की जानकारी होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो जितना आप लोगों ने मेरे कस्टम्स ऑप्शन की वीडियोज में देखा है ना, वो सारे इंपोर्टेड गुड्स का ही कस्टम ऑप्शन होता है। इंडिया के 200 से ज्यादा पोर्ट्स में इन इंपोर्टेड गुड्स का ऑप्शन होता है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती और वो फिर एक्सपोर्ट कर लेते हैं, फिर क्लियरेंस नहीं होती और फिर गुड्स जो है कस्टम ऑप्शन में चले जाते हैं। जब भी आप इंडिया में इंपोर्ट की बात करते हैं तो दुनिया भर के लाइसेंसेस लाइक BIS, WPC, EPR, लीगल मेट्रोलॉजी और भी पता नहीं क्या क्या, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस काम को पिछले 10 साल से कर रहा हूं और मुझे ग्राउंड जीरो का एक्सपीरियंस है और वो सारा एक्सपीरियंस मैं इन वीडियो सीरीज के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप लोग भी इंडिया में एक प्रॉफिटेबल इंपोर्ट बिजनेस सेटअप कर पाए। इंडिया में एक प्रॉफिटेबल इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले आप लोगों को इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले है कंडक्ट मार्केट रिसर्च, चूज योर राइट प्रोडक्ट, सेटअप योर बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, फाइंड सप्लायर, हैंडलिंग लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स क्लियरेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स। पहला है मार्केट को अच्छे से रिसर्च करना और देखना कि कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है। दूसरा, प्रोडक्ट को चूज करना, कौन सा प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तीसरा, बिजनेस को कैसे सेटअप करें और डॉक्यूमेंटेशन क्या है। चौथा, सप्लायर कैसे ढूंढे और कैसे सप्लायर से बात करें। पांचवा, हैंडलिंग लॉजिस्टिक्स। छठा, वह है कस्टम क्लियरेंस। और सातवां, वह है मार्केटिंग एंड सेल्स। और ये सारे ही पॉइंट्स पे मैं डिटेल में वीडियोस बनाने वाला हूँ। 8 वीडियोस का ये सीरीज होने वाला है। अब तक मैंने जितने पॉइंट्स बताए इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा, सारी कंप्लाइंसेस और सारे गवर्नमेंट रूल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इन वीडियोस के माध्यम से। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग टू यूएस एंड अदर कंट्रीज में भी थोड़ी बहुत नजर डालने की कोशिश करेंगे कि ये बिजनेस कैसे होता है, कितना प्रॉफिट है और आप भी कैसे ये बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आई होप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक प्रॉफिटेबल इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर पाएंगे इंडिया में भी और दूसरी कंट्रीज में भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज मार्केट रिसर्च, हाउ टू डू इट एंड व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट टू मेक दिस टास्क इजियर। तो इंपोर्ट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पे मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड टॉपिक्स कवर करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।